नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। बड़ी चर्चा, देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका और इससे निपटने की तैयारियों के बीच कोरोना वायरस के नए वेरिएंट यानी कि डेल्टा प्लस ने सरकार की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। इस नए वेरिएंट की संक्रामकता को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता का विषय बताया है। शुरू में इस नए वेरिएंट के संक्रमण के मामले 3 राज्यों महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में मिले थे, लेकिन अब ये वायरस अन्य राज्यों में पांव पसार रहा है। आपको बता दें कि पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जम्मू में डेल्टा प्लस के नए केस मिले हैं। इसके संक्रमण की संख्या इन तमाम जगहों पे केसेस मिलने के बाद 40 के पार हो गई है। वहीं दूसरी तरफ नैनीताल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आरएस चौहान और जस्टिस आलोक वर्मा की खंडपीठ ने उत्तराखंड की सरकार को आड़े हाथों भी लिया। कोर्ट ने बच्चों के कोरोना महामारी के चपेट में आने की स्थिति में उनसे निपटने के लिए राज्य में नाकामी और व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को कड़ी फटकार भी लगाई। संबंध में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट 1 महीने में पूरे देश में फैल गया था, डेल्टा प्लस वेरिएंट को 3 महीने भी नहीं लगेंगे, फिर हमारे बच्चों को बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट को घातक बताया है और इसको कितना घातक है ये इसको समझने के लिए आज बड़ी चर्चा रखी गई है। राजनीति से परे आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना घातक है और इससे बचाव के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, उसके लिए हम कितने तैयार हैं, इसको समझेंगे आज। साथ ही साथ तैयारियों को लेकर भी चर्चा है। तो आज इस चर्चा में हमारे साथ पीजीआई की सीनियर पेडियाट्रिक डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पियाली जी आपका। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि जिस कंसर्न की हम लोग बात कर रहे हैं, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम दिया गया है और लगातार ये चिंताएं भी बढ़ रही हैं कि डेल्टा प्लस को लेकर, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी दूसरी लहर में डेल्टा और अब डेल्टा प्लस इसमें अंतर क्या है और कितना घातक है ये। पियाली जी आपको आवाज आ रही? तो ठीक है, कुछ समय लगेगा। पियाली जी से हम एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस उत्तराखंड ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि वायरस आएगा और आपको बताएगा नहीं, आपकी तैयारियां पूरी होने के बाद वो एंट्री नहीं मारेगा। लेकिन जिस तरह से एंट्री हो रही है डेल्टा वायरस की वो बहुत घातक है। जहां एक और कुछ दिन पहले तक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट था डेल्टा प्लस, अब वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो गया। यानी आप ये समझिए कि ये कंसर्न कितना बड़ा है, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आ रही हैं। यूएसए ने भी इसे बताया है कि ये बहुत घातक है, इसको लेकर घोर चिंता व्यक्त की है कि कुछ भी हो सकता है डेल्टा प्लस वेरियंट अभी। और साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर भी सुनिश्चित नहीं किया गया है कि कितना प्रभावी है। हो सकता है कि वैक्सीन लगने के बाद भी कितनी प्रभावशाली डेल्टा प्लस वेरिएंट पर ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, इसको लेकर भी अभी तक कोई प्रमाणिक आधार नहीं स्पष्ट किया गया है। लगातार वैज्ञानिक चेता रहे हैं डेल्टा प्लस को लेकर, लगातार नए नए तरीके के ये वेरियंट्स आ रहे हैं, उसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अब लॉकडाउन की स्थिति ही सबसे बड़ा विकल्प है जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है। तो एक बार फिर से लॉकडाउन की चर्चा भी तेज हो गई है। वहीं एम्स के डायरेक्टर ने लॉकडाउन का को विकल्प बताया है। केंद्र सरकार ने कंसर्न घोषित कर दिया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए लगातार जांच की जा रही है कि ये वायरस क्या है और ये कितना घातक है। सिम्टम्स इस समय इसके परखे जा रहे हैं कि किन सिम्टम्स में लोगों को तुरंत टेस्ट कराने की जरूरत है। सरकारों को सतर्क रहने के लिए कह दिया, क्योंकि बच्चों को बचाने के लिए सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो है बच्चे इस वक्त। तो बच्चों को बचाने के लिए सरकारें अपने स्तर पर क्या कार्य कर रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। जांच रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने भी डेल्टा प्लस को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि क्यों नहीं रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर जांच हो रही है। तो एक बार फिर से पियाली, डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। पियाली जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि डेल्टा प्लस आया था दूसरी लहर में और माफ कीजिएगा, डेल्टा आया था और अब डेल्टा प्लस आ गया है, तो सबसे पहले तो मैं अंतर जानना चाहूंगी और कितना घातक है अभी तक की आपकी पूरी जांच में और जिस तरह की आपने स्टडी करी उसमें क्या लग रहा है आपको डेल्टा प्लस कितना घातक हो सकता है?
डेल्टा अपने में ही काफी घातक था, ये तो आप सबने देख ही लिया कि कितना ज्यादा उसका ट्रांसमिशन हुआ, फैला कितनी जल्दी और कितने लोगों में। डेल्टा प्लस उससे भी घातक है, इसमें और ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है, ये बहुत तेजी से फैलता है और इसका असर भी ज्यादा होता है। जी, तो डेल्टा की तुलना में डेल्टा प्लस ज्यादा घातक माना जा रहा है। एक और प्रॉब्लम आ रही है इसके साथ कि डेल्टा प्लस पर वैक्सीन कितना असरदार होगा, ये अभी तक हमें ठीक से पता नहीं चला है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन लग रही है वो हो सकता है डेल्टा प्लस पर भी असरदार हो, पर अभी तक 100% हम कह नहीं पा रहे हैं इस बात। बिल्कुल डॉक्टर पियाली, लेकिन हम लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि कोरोना के जो थर्ड वेव की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हम मान लें कि डेल्टा प्लस एक संकेत है थर्ड वेव की तरफ उजागर करने के लिए कि ये लहर जल्द आ सकती है? देखिए, जहां तक की लहर की बात होती है तो हर पैंडेमिक का, जैसे कि 1800s में हमने स्पैनिश फ्लू को झेला है, हर पैंडेमिक का ये एक कैरेक्टर होता है कि वो लहरों में आता है। जी, धीरे धीरे ये लहर शांत हो जाते हैं और ये एक समाज में एंडेमिक हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता है, समाज में एंडेमिक हो जाता है। तो लहर तो आएगी ही, ये सॉर्ट ऑफ अंदेशा लगाया जा रहा था कि ये थोड़ा देर से, मतलब सितंबर के आसपास आएगा, पर जो हमारा बिहेवियर है, जो ही मॉल खुल गए सब मॉल पहुंच गए, जो ही पार्क खुल गए सारे पार्क पहुंच गए, और हर सड़क पे हर तीसरा आदमी बिना मास्क के घूम रहा है, तो अगर हम अपना बिहेवियर नहीं मैनिपुलेट कर लेते हैं तो हम शायद इसको और न्योता दे रहे हैं कि और जल्दी आओ और हमारे घर में घुसो। तो अगर हम अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं तो वेव शायद लेट आए, सितंबर अक्टूबर में आए, लेकिन अगर हम इन चीजों को एहतियात नहीं बरतते हैं तो वेव तो जल्दी ही आ जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर पियाली, क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं, लॉकडाउन, एम्स के डायरेक्टर ने भी लॉकडाउन को अब विकल्प बताया है कि जिस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट एंट्री कर गया है, 40 केसेस भी आ चुके हैं, एक की मौत भी हो चुकी है, तो इसको लेकर उन्होंने कहा है अब लॉकडाउन ही विकल्प है। तो आपको क्या लगता है, लॉकडाउन ही विकल्प है, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरी भी होगी तो अनलॉक करना, लेकिन फिर से डेल्टा प्लस की बात हो रही है? नहीं, लॉकडाउन से ज्यादा अब कोई असर हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि अब हमारा दूसरी चीजों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा ना, बेरोजगार होते चले जा रहे हैं लोग, तो हमें उस साइड भी ध्यान देना है, बच्चे स्कूल से कितनी सारी चीजें सीखते हैं उस तरफ भी ध्यान देना है, तो लॉकडाउन अब तो विकल्प नहीं बचा हमारे पास। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें लॉकडाउन नहीं, अपने आप को सही करना है। बिल्कुल डॉक्टर पियाली, आपने बिल्कुल नियंत्रित करना है। जी बिल्कुल सही कहा कि खुद का बचाव ही जरूरी है, और एकजुट होकर इंसानों को मास्क, हैंड सैनिटाइजर और इन तमाम चीजों का, दो गज की दूरी का, ये तो अनिवार्य रूप से फॉलो करना है। लेकिन मैं डॉक्टर पियाली आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से संक्रमण जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, तो अभी तक आपको क्या लगता है कि डेल्टा प्लस को लेकर किस तरह की चीजें सामने आ रही है, कौन से वो सिम्टम्स है जिससे लोगों को पता लगाया जा सके, लोगों को कि हाँ डेल्टा प्लस वेरियंट घातक हो रहा है, और अगर उनके अंदर वो सिम्टम्स आते हैं तो वो जाके अपना टेस्ट कराएं। देखिए, मात्र 40 केस अभी तक सामने आए हैं जी, तो उनमें सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स ज्यादा है, ऐसे लोगों में हम ये अंदेशा लगा रहे हैं कि आईसीयू की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ेगी जी। अभी लहर डाउन पे थी, अगर ये एकदम से ये 40 से 4000 हो जाता है तो हमारे लिए फिर से मुसीबत आएगी, क्योंकि जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो अब थक चुके हैं सेकेंड वेव के साथ काम करते करते, हमारी मैन पावर भी थक गई है, तो तीसरे वेव में अगर इस तरह से डेल्टा प्लस ने कहर ढाया तो बहुत मुसीबत आएगी, क्योंकि हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर अभी इतना पुख्ता नहीं है या मैन पावर इतना नहीं है हमारे पास कि हम इसको झेल पाए दोबारा से।
बिल्कुल डॉक्टर प्याली, मैन पावर इतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्या जिस तरह से लगातार राहुल गांधी के भी ट्वीट्स है और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, तो आपको क्या लगता है डेल्टा प्लस वेरिएंट की अगर हम रोकथाम करना चाहते हैं तो हमें आज ही से शुरुआत करनी देनी होगी और हमें बड़े स्तर पर टेस्टिंग शुरू कर देनी होगी अभी फिर से? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमें वायरोलॉजी लैब जिसमें सीक्वेंसिंग करके ये देखना कि कहाँ पर डेल्टा प्लस ज्यादा है और उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करना, उस एरिया को लॉकडाउन में ले जाना, या हमारे जो स्पॉट्स ऐसे बन रहे हैं उन स्पॉट्स को अलग कर देना, वहां से आवागमन बंद करना, ये ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि हमारे वायरोलॉजी लैब्स ओवरनाइट काम करें और देखें कि कहाँ पर सीक्वेंसिंग करके इसको देखा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है डेल्टा प्लस को, तो हमें वो देखना है वायरोलॉजी लैब में कि डेल्टा प्लस कहाँ पर ज्यादा आ रहा है, या कोई और म्यूटेंट आ जा रहा है, कोई और वेरिएशन हो जा रहा है उसका, ये भी देखना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर प्याली, हमने ये भी देखा है कि लगातार जिस तरह से पहली लहर आई, दूसरी और अब तीसरी की बात हो रही, तो लगातार जो दवाइयां हैं उसके ट्रायल्स में भी काफी ज्यादा चेंजेस सामने आए। हालांकि आपने जैसे कहा कि वैक्सीन कितनी प्रभावी है डेल्टा प्लस पर, अभी तक इसका कोई प्रमाणिक आधार या इसका प्रमाणिक कोई पुष्टि नहीं की गई है। प्रभावी है ये पता है, लेकिन किस हद तक है, कितनी ज्यादा एंटीबॉडीज पर काम कर रही है ये नहीं पता है। तो ये जो दवाइयों का लगातार बदलाव हो रहा है और दवाइयों के चलते जो ब्लैक फंगस की भी अब एक इन्फेक्शन लोगों के अंदर आया, तो अब डेल्टा प्लस आ रहा है, तो इससे कैसे डील करने के लिए आप लोग किस तरह की तैयारियां डॉक्टर्स अपने स्तर पर कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो ये पहला अंदेशा आया था कि बच्चों में बहुत ज्यादा होगा, वो शायद इसलिए कि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे। तो सरकारी तौर पे मैं भी एक नॉमिनी थी, रिसोर्स पर्सन थी, जिसने लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। ये हम कहेंगे सरकार का बहुत अच्छा प्रयास था कि हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को उन्होंने पुख्ता करने की कोशिश की। तो हम लोगों ने पहले युद्ध स्तर पे शुरू किया ट्रेनिंग, नर्सेस का, अटेंडेंट्स का, डॉक्टर्स का, ताकि अगर कोई आता भी है तो कौन सी दवा इस्तेमाल होनी है, किस क्या इंडिकेशन है, कब शुरू होनी है कौन सी दवा, क्योंकि दवा का भी समय पे इस्तेमाल होना जरूरी है। तो कौन सी दवा कब इस्तेमाल होनी है, यहाँ तक कि हाथ पकड़ के ये भी बताया गया कि किस में कितने ड्रॉप रेट से आईवी सलाइन चलना है, किस तरीके से आपको उनको एड्रेनलिन वगैरह देना है, स्टेरॉइड वगैरह देना है। अगर कोई बच्चे में या एडल्ट में भी अगर आपको उसको सीपीआर करना है तो कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने ट्रेनिंग की और अब तक 6 से 8 बैचेस निकल चुकी हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। तो कोशिश तो यही है कि अगर ऐसा आए तो हमारी तैयारी रहे उससे डील करने की। पर मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर 12 साल से कम के बच्चे आप इंडिया में देखें तो उनमें से अगर 20% को भी होता है कोरोना, और उस 20% में भी अगर 5% को भी आईसीयू की जरूरत पड़ती है तो आप जानते हो संख्या कितनी बड़ी हो जाएगी, वो 1.6 लाख से ऊपर चली जाएगी। 1.5 लाख बच्चों को मैनेज करने लायक अभी भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ है। तो हमें और जोर लगाना पड़ेगा ताकि हम और पुख्ता हो जाएं। और देखिए, आदमी जब कोई औरत या आदमी एडल्ट या अधेड़ या वयस्क कोई चला जाता है उसमें इफेक्ट, और किसी के बच्चे का चला जाना उसमें इफेक्ट, बहुत फर्क होता है। बिल्कुल डॉक्टर प्याली, बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने बोली है और लगातार कंसर्न जो है वो सबसे ज्यादा बच्चों को लेकर ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं चिंताएं ये ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि बच्चों को और जो नवजात बच्चे हैं जो बोल भी नहीं पाते, जो अपनी तकलीफों को बता भी नहीं पाते, उनको लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही है, मैं ये भी जानना चाहूंगी। उन पर कैसे पता लगाया जाए कि हाँ ये फर्स्ट स्टेज है डेल्टा प्लस वेरियंट का, या आप बच्चे को संक्रमित हुआ है तो उसको तुरंत तुरंत दवाई दी जाए, तो वो कौन सा स्टेज है जहां पर माता पिता एक बार सचेत हो जाए कि नहीं अब हमें टेस्टिंग करानी है, जरूरी हो गया और बच्चे को दवाइयां देनी है? हाँ, तो वो देखिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 तरह का डिजीज होता है जी। माइल्ड से मॉडरेट तक में हम कहते हैं कि आप एहतियात बरतिए, बच्चे को घर पर रखिए और कोशिश करिए कि बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखें, आपकी फीवर 2-3 दिन में घट जा रहा है कि नहीं, कोई और असुविधा बच्चे को सांस की हो रही है नहीं हो रही है। तो जब तक सांस में बच्चे के असुविधा ना आए, सिंपल बुखार की दवा देके बुखार डाउन कर लीजिए, बच्चे के खान पान पे ध्यान दीजिए और बच्चे का हाइड्रेशन, जो सबसे बड़ी बात है,
उसके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तो हाइड्रेशन को आप घर पर ही मेंटेन करें। तो ये काम तो घर पे किया जा सकता है, पर ये याद रहे कि जो भी बच्चे को हैंडल कर रहा हो, या तो उसको कोरोना हो चुका हो या फिर उसको वैक्सीनेशन लग चुके हों दोनों डोज और 15 दिन हो चुके हों, तो ऐसा ही व्यक्ति बच्चे को मैनेज करना चाहिए जो प्रीवियसली वैक्सीनेटेड हो। यानी क्या? ओके ठीक है, आप कंप्लीट करिए डॉक्टर पियाली। अच्छा, तो जब इसमें एक चीज हो गई कि अगर आपका बच्चा कभी भी किसी भी वक्त पर अगर सांस में तकलीफ शो करे जी, या दस्त इतने ज्यादा हो कि बच्चे के शरीर का पानी सूख जाए, या उसमें ब्लीडिंग स्पॉट्स आने शुरू करें, तो ऐसी स्थिति में, या फिर फीवर बार बार आना शुरू करे और हाई ग्रेड हो जाए, तो ऐसी स्थिति में तुरंत आपको बच्चे को लेके हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर पियाली आपने बीच में ये बोला कि जो संक्रमित हो चुके हैं वो या तो बच्चे की देखभाल करें या फिर जिनको दोनों डोजेस लग चुकी हो, लेकिन हम भी लगातार केसेस देख रहे हैं जो संक्रमित हो गए हैं वो भी बार बार संक्रमित हो रहे हैं, और जिनको डोजेस लग चुकी है वैक्सीन की उनको भी दोबारा से वो भी संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन की भी एक समय सीमा तय की गई है कि आपको 9 महीने तक प्रिवेंशन देगी या 1 साल तक प्रिवेंशन देगी, उसकी भी पुष्टि अभी तक उस स्तर पर नहीं हो पाई, और डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो वैक्सीन के बाद कितना आपके ऊपर हावी है, कितना ज्यादा चिंता है, ये भी नहीं पता है, तो इसको लेकर भी विचार जरूरी है। प्रेजेंट वैक्सीन के साथ जो आंकड़े सामने आए हैं जिनको 2 डोज लगे हुए हैं और 15 दिन हो चुके हैं, उनमें करीब 4% लोग दोबारा से इन्फेक्ट हुए हैं जी, पर वो 4% जो दोबारा इन्फेक्ट हुए हैं उनको आईसीयू की नौबत नहीं आई है, जिनको आई है उनमें प्रीवियसली कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी थी, जैसे कि ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, ऐसी चीजें उन लोगों में थी। नॉर्मली अगर हम कहें कि ये जो 4% जो रीइन्फेक्ट हुए, अगर वो ऐसे सबल थे, उनमें कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं थी, तो उनमें सीवियर डिजीज नहीं आई जी। लेकिन अगर मैं ये पूछना चाहूँ आपसे और ये समझना चाहूँ, कहीं ना कहीं मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की, कि बच्चों के लिए जो हम घातक बता रहे हैं, आप पेडियाट्रिक भी हैं, पेडियाट्रिशियन हैं, आपको पता है कि इस समय क्या स्थिति है, तो हम जो हम ये बातें कर रहे हैं कि नहीं हमारे पास आईसीयू हो गए हैं बच्चों के लिए, आईसीयू रेडी है और 100 बेड की बात भी हो रही थी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो क्या ये तैयारियाँ पूरी तौर से पूर्ण हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस वेरियंट एम्स के डायरेक्टर ने भी, रणदीप गुलेरिया जी ने भी ये बोला कि 6 से 8 हफ्तों के बीच में भी ये आ सकता है और घातक साबित हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जो मैंने आपसे कहा कि हमारा बिहेवियर कैसा है, तो इस आपके थ्रू ही ये मैसेज जाना चाहिए कि ये हम आम नागरिकों पर डिपेंड करता है कि ये तीसरी लहर आ जाएगी या इसको हम ठेल करके पीछे कर पाएंगे जी। तो आएगी जरूर, पर हम उनको न्योता ना दें, बुलाए ना कि आओ आओ हमारे घर आओ, तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसे बिहेव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर पियाली जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 केसेस आ गए हैं और ये केसेस कब मल्टीप्लाई होके बहुत ज्यादा घातक साबित हो जाए, तो हम मैं ये पूछना चाहूंगी जो वैक्सीन की एंटीबॉडी है क्या ये इसको भी चकमा दे सकता है कि जो वैक्सीन के थ्रू एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बन रही है? देखिए, एक चीज बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, कोई भी वैक्सीन 100% तो होता ही नहीं है, कोई भी वैक्सीन आज तक नहीं बनी जो 100% सेफ्टी देती है, कोई नहीं कह सकता। तो ये वैक्सीन भी 70-80% एफिकेसी है, किसी किसी की क्लेम है कि वो 90% एफिकेसी है, लेकिन जिनने 93% एफिकेसी बता रहे हैं उनके साथ अपने प्रॉब्लम्स है, किसी में ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, किसी में कोई और नर्वस सिस्टम पे असर का प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ जो 2 वैक्सीन दिए जा रहे थे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दे आर सफिशिएंट टू डील विद द इतने एंटीबॉडी वो प्रोड्यूस कर ले जा रहे हैं कि कोई भी बंदे पर बहुत सीवियर असर नहीं हो रहा है, अनलेस कि जैसा मैंने कहा कि उसमें कोई कोमॉर्बिडिटी हो या उसमें कोई ढिलाई बरती हो। मतलब वैक्सीन लेने का ये अर्थ थोड़ी ना है कि आप बिना मास्क, बिना वो शेर बने हुए मॉल में घूम रहे हैं और बाजार में जा रहे हैं कि हमें तो जी कुछ नहीं हो सकता, या मास्क गले पे लटकाए या जेब में लिए घूम रहे हैं। दैट इज नॉट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये सोच के कि वैक्सीन ही हमें बचा ले जाएगी, ये गलत है।
लगातार अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भी हाईकोर्ट ने ये चिंता जाहिर करी थी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से 11 आपके पास अभी ऑक्सीजन अवेलेबल है बच्चों के लिए, उसमें से 9 अगर आप उससे ज्यादा बच्चे संक्रमित हो जाते हैं तो एकाएक किस तरह से करेंगे। वहीं बच्चों की मेडिसिन को लेकर चिंता सबसे बड़ी है कि बच्चों को कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी, क्योंकि बच्चों के लिए अभी तक न वैक्सीन स्पष्ट हो पाई है न दवाइयाँ स्पष्ट हो पाई हैं डॉक्टर प्याली। और बड़ों की बात करें तो बड़ों में भी जो हम लोग ने स्टेरॉइड्स का यूज किया था कोरोना की सेकेंड वेव में, उसके बाद ब्लैक फंगस का खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया जिनके अंदर पहले से ही काफी इश्यूज थे, मेडिकल इश्यूज थे, तो बच्चों को लेकर तो कंसर्न और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो मेडिसिन भी नहीं खा सकते हैं और मेडिसिन कौन सी दी जाए इसको लेकर भी अभी कोई स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वैज्ञानिक जो बताते हैं उस अनुसार सरकार वो दवाइयों पर जोर देती है। देखिए हमारे आर्मामेंटोरियम में 3 चीजें हैं, वैक्सीन, पैरासिटामोल बुखार के लिए और स्टेरॉइड, ये 3 चीजें हमारे आर्मामेंटेरियम में हैं। वैक्सीन हम आशा रख रहे हैं कि फेज 3 ट्रायल हो चुके हैं कोवैक्सीन के 2 से 18 साल के बच्चों में जी। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 22 सितंबर ये रोल आउट हो जाएगा, इनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल जाएगा। तो एक हुई बात वैक्सीन की, दूसरी बात पैरासिटामोल की। हमको ये निश्चित करना पड़ेगा कि जैसे रेमडेसिविर और बाकी दवाइयों और इंजेक्शन के साथ हुआ, इवन म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस की दवाइयों के साथ हुआ, एम्फोटेरिसिन बी वगैरह होर्डिंग हुई, मार्केट से गायब हो गई, हमें ये सुनिश्चित करना है कि कम से कम पैरासिटामोल और फ्लूइड हर पीएचसी सीएचसी पे संपूर्ण मात्रा में हो, ताकि ऐसा कुछ हो तो बच्चे को दिए जा सके। बिल्कुल डॉक्टर, स्टेरॉइड की बात आती है, स्टेरॉइड का समय पे देना, ये एकमात्र ऐसी दवा पाई गई जिससे हम बचा ले गए। हाँ ब्लैक फंगस की अगर आप बात कर रहे हो, देखिए यही स्टेरॉइड विदेशों में भी दी गई थी, वहां तो ब्लैक फंगस के किस्से नहीं हुए। तो कुछ और भी कमियां हैं या हमारे जेनेटिक मेकअप में हिंदुस्तानियों के कुछ है जिसकी वजह से ये केसेस इतने ज्यादा हो गए कि हमें करीब 400-500 तो लखनऊ शहर भर में ही हमको ब्लैक फंगस के केसेस मिल गए। तो सिर्फ स्टेरॉइड को दोष देना गलत होगा, इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो अभी अंडर रिसर्च हैं और धीरे धीरे सामने आएंगी कि ये ब्लैक फंगस हम ही लोगों को क्यों ज्यादा हुआ, अमेरिका में यूके में क्यों नहीं ऐसे किस्से सामने आए जी। लेकिन डॉक्टर प्याली आप वैक्सीन की बात करें तो लगातार जो कोरोना का वेरिएंट्स है वो भी रूप बदल रहा है, तो वैक्सीन जिस अकॉर्डिंग बनाई जा रही है वो किसी और वेरिएंट के लिए बनाई जा रही है, फिर डेल्टा के लिए अगर मान ले कि डेल्टा के लिए हमने वेरिएंट बनाई और डेल्टा प्लस उसका नया वेरिएंट आ गया, तो वैक्सीन तो डेल्टा के प्रभाव को कम करने के लिए थी, अब डेल्टा प्लस उससे भी ज्यादा घातक है, फिर बच्चों में भी यही चीज की। आपको वैक्सीन के बारे में भी समझना पड़ेगा, वैक्सीन में एक क्रॉस प्रोटेक्टिविटी होती है, जैसे बोलते हैं कि मीजल्स का वैक्सीन अगर लगा है बच्चे को तो एक क्रॉस प्रोटेक्टिविटी हो सकती है, एमएमआर लगा है तो एक क्रॉस प्रोटेक्टिविटी हो सकती है। तो अगर आपको ये वैक्सीन लगा है जो SARS-CoV-19 के लिए हम लगा रहे हैं अभी कोवैक्सीन या कोविशील्ड, अगर ये लगा है तो ये क्रॉस प्रोटेक्टिविटी अगेंस्ट डेल्टा प्लस वेरियंट भी देगा, हाँ कितना प्रतिशत देगा ये नहीं पता। दूसरी चीज है कि जैसे कई बार वेरिएंट्स बदलते हैं तो वैक्सीन भी बदल दी जाती है, आप देखो इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन को हर साल बदला जाता है, नए साल में नया वैक्सीन आता है, उसके कंपोनेंट्स नए होते हैं, क्योंकि पिछले साल में जो बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंजा के जो स्ट्रेन इफेक्ट करते हैं उसी पर बैठ करके WHO ये डिसाइड करती है कि अगले साल का वैक्सीन कैसा बने। सिमिलरली अभी तो हम बचा ले जा रहे हैं लोगों को, इसके बाद हमको बैठ के ये मनन करना पड़ेगा ये हमें कितनी क्रॉस प्रोटेक्टिविटी दे रही है डेल्टा प्लस के खिलाफ, और अगर हम आगे के लिए वैक्सीन अगले साल का बनाएंगे तो उसमें कोई चेंजेस करने पड़ेंगे या नहीं। अभी तो वैक्सीन, पहले तो वैक्सीन 20-20 साल में एक आती थी, अब तो वैक्सीन प्रिया को इतनी त्वरित कर दी गई है इस प्रिया को कि मे बी इन 8 months वी विल हैव अ न्यू वैक्सीन, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, शोध जारी है, रिसर्च जारी है एंड आई थिंक वी विल बी एबल टू मीट इट। पर हाँ ये है कि लोगों को पैनिक कराना, लोगों को डराना इन बातों पे, उसमें और भगदड़ मच जाती है, जो आपने देखा जो हुआ, किसी ने ऑक्सीजन होल्ड किया, किसी ने रेमडेसिविर होल्ड किया, इतने इतने वायल्स निकल के आए, पकड़ में आए, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, शांति से करें सब लोग अपना काम, तो काम
हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मैनेज कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर प्याली, कहीं ना कहीं एकजुटता जरूरी है और लोगों को भी इससे सतर्क रहने की, जैसे कि आप लगातार बोल रही है कि प्राइम टीवी के माध्यम से हम भी ये अपील करते हैं कि लोग अनलॉक की तरफ, लापरवाही की तरफ ना उजागर हों और लापरवाही ना बरते। लेकिन डॉक्टर प्याली, मैं यूएसए की उस यूनिवर्सल वैक्सीन के बारे में भी समझना चाहूंगी कि जिसे कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, उसे यूनिवर्सल हर कोरोना वेरियंट के ऊपर वो कारगर साबित होगी, तो उसको ये एक नया वो लोग अभी तक मार्केट में नहीं आया है, यूएसए में भी नहीं आया है अभी भी। जैसे मैंने कहा ना, वैक्सीन पे काफी रिसर्च चल रही है और जब तक कि देखिए, रैट्स और ह्यूमन बींग, जो रैट्स पे ट्रायल्स होते हैं वो समकक्ष मानते हैं वो ह्यूमन ट्रायल्स के। तो पहले वो लोग रैट्स पे वैक्सीन का ट्रायल करते, एक एक स्टेज होता है वैक्सीन ट्रायल का, और उसके बाद जब वो उस पे एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं, पाए जाते हैं कि सफिशिएंट मात्रा में हो रही हैं, तब वो आगे ह्यूमन टेस्टिंग में जाता है। तो जो चीज अनसेफ हो वो ह्यूमन टेस्टिंग में नहीं जाता है। तो दिस इज गोइंग टू टेक टाइम, ये अगले 8 से 10 महीने लगाएंगे कुछ इसका नतीजा निकल के आने के लिए। डेफिनेटली एक यूनिवर्सल वैक्सीन पे शोध हो रहा है जिसमें कोरोना के सारे वेरियंट लिए जा रहे हैं और उससे एक वैक्सीन की तैयारी में है हम लोग। तो आशा यही है कि अगले वन ईयर और वन हाफ ईयर्स में हमें ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा और इससे कोई भी म्यूटेंट वेरिएंट को हम ट्रीट कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर प्याली, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि जो कोरोना की बात हम कर रहे हैं और लगातार जो ये डेल्टा प्लस और वेरिएंट्स जो चेंज हो रहे हैं, ये बायोलॉजिकल वेपन है या फिर एक नेचुरल तौर पर आया हुआ वायरस है? क्योंकि हमने कई जगह पे कंसर्न भी किया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है ये बायोलॉजिकल, तो आप डॉक्टर्स किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्योंकि अगर ये बायोलॉजिकल वेपन है तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जो लेटेस्ट रिसर्च में निकल के आ रहा है, तो वायरोलॉजिस्ट तो ये कह रहे हैं कि नेचुरली ये चीज तैयार हो जाना थोड़ा मुश्किल ही दिखता है। तो कहीं ना कहीं किसी लैब में इस पे कुछ काम तो जरूर हुआ होगा, ये हम लोग का सोचना ऐसा अब हो रहा है। पहले जैसे बिल्कुल उड़ा दिया गया था कि नहीं, बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज है, उसी से ये वायरस आया है, अब ऐसा नहीं सोचा जा रहा है। अब करंट ट्रेंड ऑफ थॉट यही है कि कहीं ना कहीं उस वायरस पे कोई मैनिपुलेशन लैब में हुआ होगा, जिस वजह से ये नेचुरल लिंकेजेस जो बने हैं वो नहीं दिख रहे हैं इसमें, जिस वजह से ये सोचा जा रहा है। तो अगर ऐसा हुआ है तो कोई भी वायरस हो, उसका एक नॉर्मल लाइफ साइकिल में म्यूटेशन होना, मतलब आपने अगर उसको रोटी कपड़ा मकान नहीं दिया तो वो तो अपना बदलेगा अपने आप को, कि कम रोटी कपड़ा मकान में कर लेंगे, ज्यादा मिल जाएगा तो ज्यादा में कर लेंगे। तो अपने आप को चेंज करता रहता है, हर वायरस का म्यूटेशन होता है, और म्यूटेंट पैदा जब हो जाते हैं तो या तो वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं या फिर बहुत विरुलेंट हो जाते हैं। तो इन स्थितियों में अगर वो बहुत विरुलेंट हो जाता है, हमें हर्ड इम्यूनिटी की जरूरत है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाए या बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो जाए, तो हम हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर लेते हैं। या फिर अगर वो धीरे धीरे म्यूटेट करते करते खत्म हो जाता है तो वो अपनी मौत मर जाता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कोरोना वायरस का क्या होता है। इसके चार म्यूटेंट, चार टाइप्स के कोरोना वायरस के स्ट्रेन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, वो सर्दी खांसी जुकाम बच्चों में पहले से करता था, उसकी वजह से बच्चों में थोड़ा बहुत एंटीबॉडी ऑलरेडी थी। अब ये नया नॉवल जो वायरस निकला है ये भी बार बार म्यूटेट कर रहा है। अब ये म्यूटेट करते करते खत्म कर लेगा अपने आप को, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, या म्यूटेट करने से कोई भारी भरकम चीज आ जाएगी, ये देखने वाला है। बिल्कुल। और डॉक्टर प्याली, आपने हर्ड इम्यूनिटी की बात करी है तो एक कंसर्न और है कि 25 करोड़ से अधिक, अगर आप डेटा की बात करें तो शायद इसमें थोड़ा कम दिखाएगा, लेकिन उससे ज्यादा ही लोग संक्रमित हो चुके होंगे इन, अगर आप डाटा में जाएंगे तो उसमें भी, अगर और जो लोग संक्रमित हो के जिन्हें मालूम भी नहीं चला, जो ए प्लस सिम्टोमेटिक थे उनको भी अगर हम जोड़े तो काफी संख्या में लोग भारत में संक्रमित हो चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, तो हो सकता है कि थर्ड वेव जो हो वो थोड़ी कमजोर आए, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी उनके अंदर तो बनी गई होगी जिसकी आप बात कर रही थी? जी, आशा तो यही लगा रहे हैं कि हम अगर बहुत जल्दी जल्दी वैक्सीनेट करें तो 20-22 तक हम लोग एक हर्ड इम्यूनिटी के लेवल्स को रीच कर पाएंगे। अभी जो डेटा आया है उसमें बहुत सारा डेटा हमें मिला ही नहीं, क्योंकि घर में बच्चे संक्रमित हुए, ठीक हो गए, उनका कोई डेटा नहीं है। कई लोगों ने संक्रमित हुए वो हॉस्पिटल नहीं गए तो उनका डेटा नहीं आया। तो ऐसे में एग्जैक्ट नंबर्स का बता पाना थोड़ा मुश्किल है।
जहां तक साइंटिफिक सोसाइटी में ये बातें हो रही हैं, उस हिसाब से 2022 तक हम लोग हर्ड इम्यूनिटी को रीच कर पाएंगे, चाहे वैक्सीनेट करके हो या चाहे संक्रमित होकर के हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रियाली हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अच्छी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरह से डॉक्टर प्रियाली ने बताया कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वैक्सीन पर भी काम हो रहा है, बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी काम हो रहा है, और ये भी ज़रूरी है कि बच्चों को बचाने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। वो खुद एक पेडियाट्रिक डॉक्टर थी, उन्होंने बताया कि बच्चों को बचाने के लिए वो भी तमाम ज़रूरी चीज़ों पर अध्ययन कर रही हैं, शोध किए जा रहे हैं, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरियंट जो है वो अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में आ गया है, जो बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन समझने की जरूरत हमें और आपको भी है कि जिस तरह से अनलॉक किया गया है, अनलॉक आपकी भलाई के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आपके घर रोटी पहुंचाने के लिए किया गया है, ना कि कोरोना को पहुंचाने के लिए। तो लापरवाही ना बरते, और हाँ, कोरोना की थर्ड वेव घातक ना हो इसके लिए पहले से सतर्क रहे, मास्क, सैनिटाइजर और हाँ, 2 गज की दूरी का प्रयोग करते रहे, साथ ही साथ अपने बच्चों को बचाने के लिए तमाम जरूरी कदम जरूर उठाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगी किसी बड़ी चर्चा के साथ, बड़े मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए आप कहीं मजा आएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।